भारत माता की वंदे वंदे वंदे। अयोध्या विद्यापीठ परिसर में श्री राम दरबार और असरफी भवन अयोध्या धाम के पूज्य आचार्यों की दिव्य एवं भव्य प्रतिमा की आज के स्थापना कार्यक्रम में इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रेरक जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, रंगमहल के पूज्य संत श्री राम शरण दास जी महाराज, रानोपाली के पूज्य संत श्री महंत भरतदास जी महाराज, तोताद्री मठ के पूज्य संत स्वामी अनंताचार्य जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के पूज्य संत महंत रामलखन दास जी महाराज, जुनके घाट के पूज्य संत श्री करुणानिधान शरण जी महाराज, नाका हनुमानगढ़ी के पूज्य संत स्वामी रामदास जी महाराज, प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी और अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के खाद्य और रसद विभाग के राज्य मंत्री श्री सतीश चंद शर्मा जी, अयोध्या के पूर्व सांसद श्री लल्लू सिंह जी, रुदौली से मान्य विधायक श्री रामचंद्र यादव जी, अयोध्या के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अयोध्या श्रीमती रोली सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, पूर्व विधायक श्री गोरखनाथ बाबा जी, अयोध्या विद्यापीठ के सभी प्रबंध समिति के पदाधिकारीगण, श्री असरफी धाम अयोध्या के सभी भक्तगण, आज के समारोह में उपस्थित सभी अभिभावकगण और अयोध्या विद्यापीठ में नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी आदि की शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी उपस्थित विद्यार्थी और छात्र छात्राएं एवं प्यारे बच्चों, आज ये मेरा सौभाग्य है कि अयोध्या धाम के इस पावन धरा पर श्री राम दरबार के यहां पर भव्य विग्रहों की स्थापना का कार्य भी यहां पर मुझे करने का गौरव प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ इस पूरी धरा को जिन्होंने अपने धर्माचरण से पवित्र करके इस पूरे क्षेत्र में 100 वर्ष पहले जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करके जन जागरण के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था, ऐसे पूज्य संतों पूज्य स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज, पूज्य स्वामी जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी माधवाचार्य जी महाराज की दिव्य प्रतिमाओं के आज यहां पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। प्रभु श्री रामलला, मां जानकी और राम दरबार के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, इन पूज्य संतों के भी श्री चरणों में नमन करते हुए, मैं इन पूज्य संतों की साधना को मूर्त रूप देने के लिए
जिन्होंने आज न केवल जगतगुरु के रूप में धर्म जागरण के एक बृहद कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है, बल्कि धर्म जागरण के साथ ही अत्याधुनिक शिक्षा हमारे वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त हो इस कार्य को भी अपने हाथों में लेकर के इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे पूज्य संत जगतगुरु रामानुजाचार्य, पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए साधुवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, जब संतों की साधना मूर्त रूप लेती है तो ऐसे संस्थान हम सबको देखने को मिलते हैं। याद करिए, आज से 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले क्या इस प्रकार के मूर्त विग्रह आपको दिखाई देते थे? संभवतः नहीं। लेकिन गांव में भी नर्सिंग की शिक्षा हो, पैरामेडिकल की शिक्षा हो, फार्मेसी की शिक्षा हो, और वहां भी शिक्षा ऐसी जो ENM करेगा, GNM की यहां पे डिप्लोमा लेगा, BSc नर्सिंग करेगा, बी फार्मा करेगा, या कोई भी ऐसा पैरामेडिकल का कोर्स यहां पे करेगा, 100% यानी 100% उसको जॉब की गारंटी होती है, नौकरी की गारंटी होती है। इस प्रकार के कार्यक्रम को संचालित करना, यह पूज्य संतों के आशीर्वाद के बगैर संभव नहीं हो पाता है। और मैंने इसीलिए कहा, जब गुरु मूर्तियों की और पूज्य संतों का आशीर्वाद और उनकी साधना मूर्त रूप लेती है तो वह लोक कल्याण का माध्यम ऐसे ही बनता है जैसे अयोध्या विद्यापीठ के माध्यम से संचालित ये पाठ्यक्रम आज यहां पर कर रहे हैं। और आज उसी कार्यक्रम के लिए मेरे कार्यक्रम और जगह थे, लेकिन मैं अभी 2 दिन पहले ही अयोध्या आया था, और अयोध्या आगमन के समय जब मेरे पूज्य महाराज से बातचीत हुई तो उन्होंने इस बारे में चर्चा की कि मेरे पूज्य गुरुदेव और आचार्यों की प्रतिमा की स्थापना का कार्यक्रम है, अगर इसमें आपका आगमन हो जाए तो। मैंने कहा, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जिन पूज्य संतों का पूरा जीवन देश के लिए, धर्म के लिए समर्पित रहा है, अगर इस समारोह में मुझे भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होगा तो मैं कोई भी कार्यक्रम अपना स्थगित करते हुए अयोध्या धाम पधारूंगा, और मुझे आज मिल्कीपुर क्षेत्र के इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, इन पूज्य संतों ने अपना पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित किया था, धर्म जागरण के लिए, धर्म के अनुरूप अपने कृतित्व के माध्यम से, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश और समाज को उसके अनुरूप चलने की एक नई प्रेरणा दी। पूज्य स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज रहे हो, एक लंबे समय तक उन्हें इस धराधाम पर अपने आशीर्वाद से अयोध्या धाम के साथ साथ पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों को अभिसिंचित करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन वहीं साथ ही साथ जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी माधवाचार्य जी महाराज भले ही भौतिक दृष्टि से उनका कार्यकाल अल्प रहा हो, लेकिन अपने उस अल्प अवधि में भी उन्होंने अपनी साधना और अपने चमत्कार से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य किया। और जो मैंने आपको बताया कि आज असरफी भवन के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो या फिर अयोध्या विद्यापीठ के माध्यम से कोरोना जैसी महामारी के दौरान किए गए उपकार के वे अनेक कार्यक्रम, जब दुनिया हतप्रत थी बीमारी के सामने, पूरी तरह पस्त थी, तब हमारे पूज्य धर्माचार्य, तब हमारे धार्मिक स्थल, तब हमारे इस प्रकार के संस्थान लोक कल्याण के अभियान के साथ जुड़े हुए थे।
और उस अभियान के साथ जुड़ करके, लोक कल्याण के साथ जुड़ करके उस महामारी को परास्त कर रहे थे। और उसी का परिणाम था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना पर विजय प्राप्त की गई और भारत की 140 करोड़ की आबादी को कोरोना जैसी महामारी से बचाने में मदद मिली। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या की जब हम बात करते हैं तो अयोध्या में 500 वर्षों का निजार समाप्त हुआ। पूज्य संतों का लंबी साधना और संघर्ष आज अयोध्या धाम में प्रभु रामलला के विराजमान होने के साथ वह मूर्त रूप ली है, दुनिया को अयोध्या की ओर आकर्षित की है। जिन लोगों के लिए संभव था कि अयोध्या में क्या राम भगवान राम का जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा, लोग पूछते थे, प्रश्न भरी निगाहों से पूछते थे। हम लोग तब भी कहते थे हां जरूर बनेगा, चिंता मत करिए, जरूर बनेगा, अवश्य सफलता मिलेगी। जो लोग बोलते थे क्या अयोध्या की सड़कें चौड़ी होंगी, हमने कहा अयोध्या की तो होंगी लेकिन अयोध्या से आसपास का क्षेत्र भी लाभान्वित होगा। और आज लखनऊ से अयोध्या के बीच में हो, लखनऊ से प्रयागराज के बीच में हो, अयोध्या से रायबरेली के बीच में हो, अयोध्या से गोंडा के बीच में हो, अयोध्या से बस्ती का मार्ग हो, अयोध्या से काशी का मार्ग हो, ये सभी मार्ग 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। बाकी जो बचा है वह जुड़ने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ चुका है। अयोध्या में ट्रेन नहीं आती थी, एक सिंगल लाइन थी, आज डबल लाइन से जुड़ चुका है। अयोध्या में एयरपोर्ट नहीं था, आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है, 14-15 फ्लाइट अयोध्या से जुड़ चुकी है। कितने वर्ष लगे अयोध्या में हवाई जहाज को आने में? मुझे लगता है कि हजारों वर्ष लग गए, हजारों वर्ष। भगवान राम अपने पुष्पक विमान से यहां पधारे थे और पूरा द्वापर चला गया। कलयुग भी अपने एक लंबे कालखंड को संपन्न कर चुका है। अब अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है और ठीक है, तकनीक उस समय की रही होगी कि भगवान राम जिस पुष्पक विमान से आए थे वो कहीं भी उतर जाता था, लेकिन आज के नए तकनीक में एयरपोर्ट के किसी भी एयरलाइंस के लिए रनवे चाहिए होता है, एयरपोर्ट चाहिए होता है, और उस रनवे के लिए एयरपोर्ट बनाना आवश्यक होता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके अयोध्या धाम में बन चुका है। आज अयोध्या को आप देखेंगे, हर व्यक्ति जो अयोध्या 5 वर्ष पहले 7 वर्ष पहले आया होगा, इस नई अयोध्या को पहचानने में उसको थोड़ा भूल जरूर हो जाएगी, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, ये जो नई पहचान मिली है, ये जो नया सम्मान मिला है, सम्मान प्राप्त आसानी से नहीं होता है, सम्मान आसानी से नहीं मिलता है, और अगर मिलता है देव योग से मिलता है, गुरु कृपा से मिलता है, संतों के आशीर्वाद से मिलता है, तो उसको सजोए रखने के लिए भी उतनी ही परिश्रम और साधना की आवश्यकता पड़ती है, और उसको बचाए रखना यह अयोध्या वासियों का दायित्व ज्यादा है कि हम इस सम्मान को बरकरार रखते हुए अयोध्या की पहचान को देश और दुनिया के सामने इसी मजबूती के साथ स्थापित करने का कार्य करें। जो भी अयोध्या आए, अयोध्या के वैभव के साथ साथ यहां की धार्मिक परंपरा रीति रिवाजों का विभूत होकर के जाए और उसको अंगीकार करते हुए पूरी देश और पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ फिर आकर्षित होकर के आए। उसके लिए हमें प्रयास करना होगा, इसके लिए उस प्रकार की संस्थाएं, उस प्रकार के कार्यक्रम, उस प्रकार के अभियान लगातार हमें चलाते रहने पड़ेंगे, लगातार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने पड़ते रहेंगे। हमें सम और विषम परिस्थिति में कोई हमारे मूल्यों के से डिगा न सकता हो, कोई हमें हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, यह हम अवश्य प्रयास करें, क्योंकि जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते,
जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो वो आपके हितेशी कैसे हो सकते हैं। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा, वह हिंदू है। ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वह हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है, उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, यह हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। ये किसी भी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं बल्कि मानवता को बचाने का मुद्दा है। राक्षसी वृत्तियां जब भी तराधाम पर प्रबल होंगी उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। भगवान राम तो अयोध्या के राजकुमार थे, अयोध्या के राजकुमार रहते हुए वे चाहते अयोध्या में राज करते, लेकिन नहीं, एक बार पिता के मुंह से निकल गया, भले ही पिता ने अपने शब्द वापस ले लिए, लेकिन राजा दशरथ उनके पूज्य पिता हैं, पिता के मुंह से जो शब्द निकले हैं उसका पालन होगा, और पालन इसलिए होगा इसी बहाने राक्षसों का अंत भी हो जाएगा, और उसी का पालन करने के लिए वे निकल पड़े थे। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, हम अपने हित और अहित को पहचाने, हम उसको पहचानने का काम करें और देखें कहां और कैसे भला होना है, कैसे विकास होना है, कहां से सुरक्षा मिलनी है, कौन लोग आपके हितैषी हैं, कौन विरोधी हैं, उसके बारे में और भविष्य को उज्जवल बनाने के दिशा में क्या प्रयास होने चाहिए। अगर हम लोग समय रहते इसके बारे में विचार नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी, केवल कोसेंगी, उस प्रकार की स्थिति फिर से न होने पाए यह हम अवश्य ध्यान में रखेंगे। आज के इस अवसर पर जब हम यहां पर आए हैं, देखिए कल काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने भारत माता की आजादी के लिए अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जो खजाना भारत से ब्रिटेन पहुंचाने के लिए ले जाया जा रहा था, उस खजाने को उन्होंने काकोरी में रोक करके उसे अपने कब्जे में ले लिया था। और इसके बाद खजाना तो था मात्र 4679 रुपया का, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत उससे इतनी भयभीत हो गई थी कि उन क्रांतिकारियों को ढूंढने में उन्होंने 10 लाख रुपया खर्च किए, और 10 लाख रुपए खर्च करके फिर उसने बिना उनका पक्ष सुने उन्हें सजा दी गई थी, जिनमें से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, राजेंद्र नाथ लाड़ी को गोंडा जेल में, ठाकुर रोशन सिंह को और अस्फाउल्लाह खां को आपके फैजाबाद और इलाहाबाद की नैनी जेल में बंद किया गया था। आज ये अयोध्या जनपद है और इलाहाबाद प्रयागराज जनपद है। चंद्रशेखर आजाद उनके हाथों में नहीं लगे, वे ब्रिटिश हुकूमत का मुकाबला करते करते शहीद हुए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल या जितने क्रांतिकारी थे ये अपने लिए नहीं जिए थे,
इस देश की स्वाधीनता के लिए जिए थे, इनका जीवन देश की स्वाधीनता के लिए था। और उन्होंने कहा था उस समय भी, एक ही तमन्ना थी उनके मन में कि हे इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो और कारण सदा ही मृतका देशोपकारक कर्म हो, यानी बार बार भारत में ही मेरा जन्म हो। यही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बोलते थे, यही ठाकुर रोशन सिंह बोलते थे, यही चंद्रशेखर आजाद बोलते थे, यही राजेंद्रनाथ लाड़ी बोलते थे और यही अशफाकउल्लाह खां भी कहते थे कि हे परमात्मा मेरा जन्म बार बार भारत की धरती में हो, लेकिन जब भी जन्म हो सदैव हमारा जन्म का कारण देश और परोपकार होना चाहिए, लोक कल्याण होना चाहिए, देश का हित होना चाहिए और लोक कल्याण होना चाहिए। और मैं आज आप सबसे यही कहूंगा, एक वर्ष तक के कार्यक्रम चलेंगे। अभी 15 अगस्त को हम अपनी आजादी का दिवस मनाएंगे, अमृत काल के प्रथम आयोजन को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों का आह्वान किया है, भारत के आन मान शान को हर घर पर लहराएंगे, हर घर पर तिरंगा होना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव के प्रथम काल में, अमृत काल के इस वर्ष में 13 से 15 अगस्त के बीच हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि अभी 11 से लेकर के 15 के बीच में तिरंगा यात्राएं निकलनी चाहिए, तिरंगा कार्यक्रम बनने चाहिए, तिरंगा पर गोष्ठियां होनी चाहिए, तिरंगा को लेकर के लेखन प्रतियोगिता होनी चाहिए, तिरंगा को लेकर के डिबेट होनी चाहिए और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हर घर में तिरंगा फहराने का कार्य होना चाहिए। और इसके माध्यम से संकल्प होना चाहिए कि मेरे लिए मेरा देश महत्वपूर्ण है, राष्ट्र सर्वोपरि है। नेशन फर्स्ट के इस थ्योरी के साथ हम सबको जुड़ना होगा और तभी हम सबका कल्याण होगा। अयोध्या विद्यापीठ के छात्रों से भी, यहां की छात्राओं से भी मैं कहूंगा कि तिरंगा लाकर के हर एक विद्यार्थी एक दिन अगल बगल के गांव में तिरंगा यात्रा के साथ निकल करके भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए निकल करके हर व्यक्ति को बोलें कि भाई ये भारत की आजादी का प्रतीक है, आजादी के इस प्रतीक को अपने घर में लगा करके सम्मान दीजिए और तभी हमारी आजादी सुरक्षित होगी। और आजादी सुरक्षित होगी तो हम भी सुरक्षित होंगे, हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। और यही आज के दिन पर हम इस कार्यक्रम को अगर आगे लेकर के चलेंगे तो अवश्य क्रांतिकारियों का, भारत के उन महान शहीदों का सपना साकार होगा जिन्होंने भारत के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, अपना बलिदान दिया था। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से यहां पर अयोध्या विद्यापीठ परिसर में श्री राम दरबार का भव्य प्रतिम, भव्य विग्रहों की स्थापना हुई है, उनके श्री चरणों में नमन करता हूं। मैं यहां पर पूज्य स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज, पूज्य स्वामी रामानुजाचार्य, पूज्य स्वामी माधवाचार्य जी महाराज की भव्य और दिव्य प्रतिमाओं की स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इन पूज्य संतों के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और इन सभी पूज्य संतों की साधना को मूर्त रूप देने वाले जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से साधुवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी गुरु परंपरा को ये सम्मान दिलाया है। यह कार्यक्रम और ये कर्म साधना निरंतर आगे बढ़ती रहनी चाहिए, इसके लिए हम लोगों का पूरा सहयोग उनके साथ में होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप अयोध्या के मिल्कीपुर से सुन रहे थे, जहां पर जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और जनता के लिए